तो पहले तो आप देखिए कि ट्रैक्टर के दो भाग हो चुके हैं बीच से, ये देखिए पूरा हिस्सा इसका ये चिटक गया है और इसके अंदर यहाँ पर गियर ऑयल वगैरह भरा होता है और ये आगे का हिस्सा है, ये देखिए नीचे पूरा गियर ऑयल वगैरह जो है वो सब फैल गया है क्योंकि इसके दो भाग हो गए हैं और अगर ज़्यादा और तगड़ी ठोकर पड़ती तो ये हिस्सा निकल जाता। देखिए नीचे से भी ये चिटक गया पूरा, तो ट्रैक्टर तो बिल्कुल बेकार हो गया क्योंकि इसके दो बीच से भाग हो गए हैं। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ट्रक है उसकी हालत क्या हुई है। तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में, और देखिए यहाँ पर इस ट्रक और ट्रैक्टर की आपस में भिड़ंत हो गई। दोस्तों हुआ क्या है कि इस ट्रक ने इस ट्राली के पीछे से ठोकर मारी है और इसके वजह से ये ट्राली जो है काफ़ी दूर तक खिंचड़ती हुई आई और फिर यहाँ पर अनियंत्रित होकर के पलट गई है। पहले तो आप ये देखिए कि आलू यहाँ पर कम से कम 10-20 बोरे आलू जो हैं वो गाड़ियों के टायरों के नीचे आकर के दब गए हैं और ट्रक की कंडीशन देख लीजिए क्या हो रही है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और पूरी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी कि किस तरीके से जो है ड्राइवर साहब को पता नहीं क्या नींद आ गई या क्या हुआ, कैसे इसमें ठोकर लग गई या ट्रैक्टर जो था वो दाएं बाएं भाग गया इस वजह से इसमें ठोकर लगी है। और दोस्तों ये ट्राली इसीलिए पलट गई है क्योंकि जो ट्रक है, जो ट्रेलर आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, यानी कि इसमें कम से कम 50 से 55 टन वज़न भरा हुआ है। और देखिए आलू की बोरियाँ देखिए कहाँ तक बिखरी हुई हैं, देखिए पूरी रोड पे आलू ही आलू आपको नज़र आएगा। तो इसमें ट्राली वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, यानी कि जिस व्यापारी का ये आलू था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है कि ट्रकों में माल जो लोड होकर के जाता है उसका इंश्योरेंस होता है, लेकिन इसका कोई इंश्योरेंस नहीं था, ये मील से निकल कर कहीं और आलू लेकर के जा रही थी। तो यहाँ पर ट्रक वाले का तो इंश्योरेंस मिल जाएगा लेकिन ट्रैक्टर वाले का जो नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कई बार ट्रैक्टरों का इंश्योरेंस भी नहीं होता, ऐसे ही चलाते रहते हैं क्योंकि ट्रैक्टरों को कोई जल्दी रोकता भी नहीं है और फिर ये खेती किसानी के काम में आते हैं, कभी कभी रोड पर निकलते हैं तो पता नहीं इसका इंश्योरेंस है इवन या नहीं है। तो देखिए आलू कितना सारा, देखिए टायरों के नीचे दब के आलू जो है वो बर्बाद हो गया, कई बोरियाँ फटी पड़ी आपको नज़र आ रही हैं। और सुबह सुबह ये हादसा हुआ था जब मेरे ख्याल से दिन भी नहीं निकला होगा, उस समय की बात है, तो कतई तड़के की बात मतलब कह सकते हैं आप। तो कई एक बोरियाँ जो है यहाँ से लोग उठा भी ले गए हैं क्योंकि जो व्यापारी आलू के थे वो यहाँ पर आए थे, जब वो हमें मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग जो थे वो आलू की बोरियाँ उठा उठा करके ले के गए हैं बहुत से। एक तांगे वाला जा रहा था, उसने भी उस पर लादने की कोशिश करी लेकिन वो अचानक से पहुँच गए, तब जा कर के वो इन सब इतने माल को बचा पाए। अब देखिए बोरियाँ जो हैं वो ट्रकों के नीचे पड़ी हुई, ट्रक के नीचे पड़ी हुई हैं और कहाँ तक ये ट्रक जो है रगड़ता हुआ आया आप टायरों के निशान देख सकते हैं। और ये देखिए एक बोरी इसके नीचे दबी हुई है, इसके नीचे कई एक बोरियाँ जो है आलू की पड़ी हुई हैं और चारों तरफ आलू ही आलू बिखरा हुआ नज़र आ रहा। तो काफ़ी मोटा नुकसान हो गया है, अब कितना नुकसान हुआ है ये तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और जो ट्रेलर का ड्राइवर है वो यहाँ से भाग गया है और जो ट्रैक्टर पर ड्राइवर था वो भी गायब है, यानी कि जो जिसका माल है केवल वही बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाकी सब यहाँ से गायब है, कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और दोस्तों सुबह सुबह तड़के की ये बात है और 12-1 बजे तक यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, ना कोई पुलिस आई ना कोई प्रशासन आया। मैंने आकर के फिर हाईवे वालों को फ़ोन करके बुलाया, तब आकर के उन्होंने ये ट्रैफिक खुलवाने के लिए इसका माल आल सब उठवाया, उसके बाद में जो है ये ट्रक पता नहीं अभी तक हटाया गया या नहीं हटाया गया क्योंकि मैं वहाँ से चला आया था। मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया कि देखिए किस तरीके से ट्राली पलटी है और ट्रक वाले के भी पता नहीं चोट लगी या नहीं लगी क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, वो भाग गया था यहाँ से। ज़्यादातर हमारे देश में यही होता है कि जब भी कोई गाड़ी वाला होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो वो यहाँ से तुरंत भाग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।